चुनाव मंच में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ। वो योगी जिनके तन पर भगवा चोला है, वो योगी जिनकी जुबान पर खांटी हिंदुत्व के धधकते जुमले हैं, वो योगी जिनका आदेश उनके समर्थकों के लिए कानून होता है, वो योगी जिनकी धमक, जिनकी हनक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, वो योगी जिनकी हर बात पर उनके कार्यकर्ता कुछ भी करने, मरने, मारने को तैयार होते हैं, वो योगी जो चुनाव के महासमर में विजय की पताका लहराने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं, वो योगी जब चुनाव प्रचार में कूदते हैं तो कहा जाता है वो बात हिंदुत्व की करेंगे, वो कैराना की करेंगे, वो हिंदू मुसलमान की करेंगे, वो योगी एक बार हमारे चुनाव मंच पर हैं। योगी आदित्यनाथ का स्वागत है चुनाव मंच पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दौर का चुनाव होना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पहले दौर के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कैराना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो तमाम शहर हैं जहां पहले दंगे हुए हैं, जहां हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो इलाके हैं जहां से इस बार तय होगा कि बीजेपी को वहां से कितनी सीटें मिलेंगी। इसलिए हम बात शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ से, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनना चाहेंगे योगी जी, चूंकि आप चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, हालांकि उसमें दुखती रग आपकी क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, कितनी सीटें बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को, उत्तर प्रदेश की अराजकता को समाप्त करके उत्तर प्रदेश में सबका विकास और सबकी सुरक्षा की गारंटी भी लेगी। चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है और जाहिर है आप हिंदुत्व के एक आइकन भी माने जाते हैं। इस चुनाव में आपको लगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी किसी चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी, वंशवादी या जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं, हमारे पास बड़े नेता भी हैं, हमारे पास सामान्य कार्यकर्ता भी है। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि चेहरा आप क्यों नहीं हो सकते थे? आपका इतना बड़ा चेहरा है, 5 बार सांसद रहे, सबसे युवा सांसद के नाम के तौर पर भी आपका नाम दर्ज है, चेहरा आप भी हो सकते थे? चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का जज्बा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सूरत को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बदलने की क्षमता रखता है। आपको हमने सुना है बीते 10 दिनों के अंदर जो 2-3 जगह आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा है, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा की बात भी कही है। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है। नहीं, दिल्ली नहीं, के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ, यही आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर? और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे, संगीत सोम ने बनाया और अब आप लोग बना रहे हैं। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे? आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी और 1990 से तुलना कर। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डराकर। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को यह भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं। आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में घटित नहीं हुई, 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ, 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया। योगी जी, वैसी और यही स्थिति योगी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब
कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो वह दिन ना आए, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा की प्रति आगाह करें। योगी जी, काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा, लेकिन कैराना नहीं, 25 शहर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 दर्जन से अधिक ऐसे कस्बे हैं और दर्जनों गांव हैं। हाँ। आप जाइए वहां थोड़ा मौके पे जाके। नहीं, दर्जनों गांव हैं तो वो तस्वीर और वो कहानी तस्वीर है ना, मौके पे जाइए आप। नहीं तो आपके सांसद सिर्फ कैराना की बात कर रहे थे, संगीत सोम कुछ इलाके की बात कर रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ तो गाजियाबाद में लेंस लेकर पहुंचे अपने। गाजियाबाद बोल रहा हूँ मैं, मुरादाबाद आपको बोल रहा हूँ मैं, मेरठ आपको बोल रहा हूँ, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए, हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ है। बहुत एग्जेजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात, आप जाइए ना, आप क्या आप एक बार निष्पक्ष अपनी टीम को नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, हमारी टीम भी जाती है योगी जी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा, योगी का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी दूरदर्शी होता है। अच्छा, योगी आज की बात नहीं कर रहा है, योगी भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए उनको बता रहा है। उसको भी आपने पहले देख लिया था, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, आपने पहले देख लिया होगा क्या होने वाला है। देखिए, समझदारी इसी में है कि हम ठोकर खाने का इंतजार न करें, समझदारी यह है कि ठोकर अगर कहीं लग रही है तो हम उसी से सबक सीख जाएं। कश्मीर में ठोकर लगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठोकर न लगे, यही हमारे लिए समझदारी है। योगी आदित्यनाथ, रोकें और सख्ती के साथ रोकें। लेकिन ये डराकर ऐसा लगता है कि आपका पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। मेरा कोई अलग गेम प्लान नहीं है, जो हमारे चुनाव मैनिफेस्टो का हिस्सा है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है, मैं उसी के अंतर्गत इन सब बातों को उस मैनिफेस्टो में है कि 25 जगह पलायन हुआ। हमने 25 जगह पलायन नहीं, हमने सांप्रदायिक हिंसा से संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक पलायन की घटना को रोकने के लिए वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की बात और डिप्टी कलेक्टर की तैनाती और जिलाधिकारियों को वहां के लिए पूरी तरह जवाबदेही बनाने की बात कही है। आपके लिए पलायन बहुत बड़ा इशू है। पलायन बहुत बड़ा इशू है, है बिल्कुल, आपके लिए होगा, विकास के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। कोई इशू होगा भी नहीं चुनाव में योगी जी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भगवा वस्त्र और आपका कट्टर हिंदुत्व, आपकी छवि आपको पलायन के पास ले जाएगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी रैलियां हुई है चुनाव के दौरान, आज भी मेरठ में उनकी रैली होगी, हर रैली में वो विकास की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को एक अलग लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, गांव में बिजली, किसान को फायदा, इसकी बात करते हैं, नीम कोटिंग यूरिया की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ पलायन की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उत्तर, एक मिनट सुन लीजिए, कि उत्तर प्रदेश में 2 पिच तैयार है, 1 पिच पर नरेंद्र मोदी चलेंगे, 1 पिच पर योगी चलेंगे, योगी के पीछे साक्षी, संजीव बलियान, संगीत सोम, बैंड बाजा बारात। हमने विकास की बात भी कही है, 70 लाख नौजवानों को रोजगार की बात भी हम लोगों ने इस बात में कही है, मंचों पे भाषण भी हुए हैं, लेकिन आप उसके एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर कहता हूं कि विकास के साथ साथ सुरक्षा एक इशू है और हम इसको लेकर के जनता के पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है, हमने सबकी बात मारे जाए अगर हमने तो हमने इशू नहीं है, हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। भोला हूं, लेकिन ना आप इतना भोला है। नहीं, आप बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ तो तब आपको ये अच्छा लगता नहीं, है, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी तब भी हम सवाल उठा यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है, तब भी हम लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई है, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को, बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मा को सत्ता से बाहर करिए यहां से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को, सुरक्षा ना दे सके। दंगाइयों पर मैं जोर दे रहा हूं, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है बिल्कुल सही कर रहे हैं, सहारनपुर तक जाता है बिल्कुल सही कर रहे हैं, 4-4 बार बरेली में दंगे हुए बिल्कुल सही, मुजफ्फरनगर में 4-4 महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं,
और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं मैं, डरा हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम करती है, गोरखपुर ही नहीं हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है, अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं। और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे, दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में ला करके सम्मानित करते थे, स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को ला करके सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगों के से दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटें, ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे शक्ति? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, आप जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए क्यों दंगे नहीं हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए मैं जरा समझना चाहता हूँ, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नासूर हो, ये तो बात, चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम में बता सकता हूं, नेता बाद में आए हैं, पर्दे के पीछे उकसा रहे थे, वहां नेता बाद में आए हैं, कार्यकर्ता आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन दो बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा, उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए वो काम सरकार का है, दंगा हुआ लगातार हुई, आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है। और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल उठता है ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं उससे निपटने की जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूँ सरकार की है। जनता को खड़ा होने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है, सरकारी निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं? उकसा नहीं रहा हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए उनको सावधान कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे। और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है, ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्ला और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देश देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस, यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए, हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए कह रहे हैं, तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? योगी जी, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने अपने राष्ट्र राजवादी होने पर बहुत गर्व है, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत जी? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुस्लिम है अपने मौलाना और मौलियों को समझा पाते कि तीन तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते बहुत अच्छा होता। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये हम मुद्दा लोगों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में विधानसभा में अरे वो मिल ही जाएगा, विवेकानंद जी वो तो मिल ही जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है, जिस तरह व्यापारी अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलियों को समझाए कि तीन तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से, ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे हैं। ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाएं मुसलमानों की गरीबी गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते। कोई बुरा नहीं किया, अगर तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा एक मिनट, किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है उसको बदला जाना चाहिए। जी जी जी। या देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है, तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच बिना लोंग लपेट के बिना संकोच के, तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहते मुझे कह रहे हैं गुस्सा करिए, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना हो जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आप गुस्सा करिए, पसीना नहीं आएगा मुझे, चिंता मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश अपनी दुनिया आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प नहीं, परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है। जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं, मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर, वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं। योगी जी ठीक है, तालियां बजाइए आप लोग। योगी जी उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं, आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछ। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं, तो फिर लेकिन तो फिर वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं तो जानना हिंदी के नाम पर क्यों ना नाम रखें। सर सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे जिस दिन मैं आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आज मेरा दिन है।
तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था, भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, लहराने की घटनाएं हुई हैं, गलत करेगा, लेकिन होना चाहिए, लेकिन ये कहकर आप पूरी आबादी को ये नहीं, पूरी आबादी की बात नहीं की भारत में पाकिस्तान का, पूरी आबादी की बात नहीं। एक बार हम सवाल लेते हैं। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूं, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? हम लोग करेंगे। मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूँ। भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और ज्योतिषीय जो गणना है वो ये बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल किया, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। लेकिन योगी जी ये जो सही कहा उन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है, जैसे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे, जैसे बहुमत की सरकार मिलके सब दो तिहाई विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हों या केशव मौर्य फिर राम मंदिर के, तो धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। 1986 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि लॉ ऑर्डर को आप बनाए पाएंगे, राज्य सरकार ने लिख के दिया। मैं श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को जिन्होंने उस समय राम मंदिर के इशू को लेकर के और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को जिन्होंने 89 में अयोध्या से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपने पिता का अनुसरण करते तो संभवतः कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल ये है जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है, बड़ी महत्वपूर्ण तो एक मैं सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ देर पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे, उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं, वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला फंसा है कोर्ट में? मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे। हमारा विकास कार्य जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब ये आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं एक और तो समस्या है कि जमीन जो पे बयान देते हैं आप लोग और जो चुनाव के समय बोलते हैं, कितना फर्क है योगी जी, सबका साथ सबका विकास, ये अगर है तो आप बोलते हैं बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था, ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्या बाई होलकर जी ने बनाया था, लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था और ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। योगी जी मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं ना कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं
कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, अपना दूसरा ठिकाना है, सरकार ढूंढो। मैं सरकार और सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में डंडे से सरकारें भी मैं उसके सरकारें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों से चली है, आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं, कहते हैं कि साहब कन्या विद्याधन लागू करेंगे, लेकिन साहब नहीं, मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा, हिंदू कन्याओं को नहीं मिलेगा। हम विकास के लिए पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, आखिर शमशान घाटों के लिए दे दो, ये सब नहीं कर रहे हैं आप। इसको सेकुलर कहते हैं, और अगर हम कहते हैं कि सबको दो, अगर शमशान घाट नहीं, सबको दो नहीं कहते, उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही है। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है, इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इस पे उंगली उठाई? अगर सरकार ऐसी बेईमानियां करती हैं तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश यादव, मैं कह रहा हूं ना, की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है, और योगी जी आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ, वो भी गलत। हमने कहा हम अहिल्या बाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे, सभी बालिकाओं का मतलब जाति मत और मजहब कहीं नहीं आता है। हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। अच्छा, ये दोहरापन समाप्त होना चाहिए। योगी जी, एक सवाल मैं जनता से लूंगा, लेकिन आपने सबका साथ सबका विकास अच्छा जुमला है और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है, और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना और अगर किसी को टिकट न देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं? इसका जवाब लूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, कुशीनगर का हाल बिल्कुल बर्मा जैसा हो रहा है, मुसलमान वर्ग वहां सांस नहीं ले पाता है, तो आप किस तरह के काम करने में, और जिसको हम माफिया कहते हैं वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं रॉबिन हुड वाला, कि साहब सरकारें चीजें नहीं पहुंचा पा रही, हम अमीरों से लूट करके गरीबों को दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कुशीनगर में जिस प्रकार के तत्व हैं, आपको मालूम है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए तत्व भी कुशीनगर में पकड़े गए, और अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं इसको बहुत दुर्भाग्य मानता हूं। ये भरकाई नहीं, हम लोग डेलीगेशन पिछले साल लेकर गए योगी जी, ऐसे गरीबों को सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। हम लोग वहां जा चुके हैं, ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार बच्चों को कहीं से कोई निपटा जाना चाहिए। नहीं नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मैं देखिए, कह रहा हूँ ना, आप जो आदमी है वहाँ पर, जो मजलूम है वो आईएसआई नहीं हो सकता है। आप वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, तो इस चीज को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, कोई नहीं स्वीकार कर सकता इस चीज। कहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका नारे का क्या मतलब है और ये डराने वाला नहीं है? अरे, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन को कहा अर्जुन योगी बनो, अगर प्रदेश का हर नागरिक योगी बन जाएगा तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, विकास भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। आपसे एक सवाल ये है कि हमारे भारत देश की नींव अखंडता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चाहे संविधान हो उसमें सब में लिखा हुआ है, क्या आप कभी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हिंदू मुसलमान एक साथ होकर भारत देश की प्रगति में कुछ कर सकें? ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारे द्वारा उठाए जाने वाला हर कदम यूनिटी के लिए है, इंटीग्रिटी के लिए है, और इस देश के एक अच्छे फ्यूचर के लिए है, और वह कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, योगी जी ने कह दिया कि जो कुछ बोलते हैं यूनिटी के लिए बोलते हैं, जो कुछ करते हैं यूनिटी के लिए करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन की बात करते हैं यूनिटी के लिए करते हैं, गोरखपुर में मियां बाजार को माया बाजार, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, ये सब यूनिटी के लिए करते हैं। लेकिन चलिए, योगी जी हैं, अपनी बात करें। योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर एक सेकंड फिर सवाल ये उठता है
कि मैं जानना चाहूंगा, इस बार मैं चाहूंगा थोड़ा दिल खोल के बताएं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को, अपने नेताओं को, जितने लोगों के लिए टिकट चाहते थे, क्या उन सबको टिकट मिल पाया? कितने लोगों को टिकट चाहते थे? मैंने किसी के लिए कोई टिकट की मांग नहीं की है। एक फाइनल सूची में मैं स्वयं भी बैठा हुआ था, और जो भी कार्यकर्ता हमारी मेरिट में खड़ा उतरता था, हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको टिकट मिले, और टिकट उन लोगों को दिया गया है। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, सबको जिताने की व्यवस्था करिए, कार्यकर्ता जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो प्रदेश में सुरक्षा और विकास होगा। तो ये आपके जो खास सुनील सिंह हैं, जो हिंदू मतलब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सब बाहर किए जा चुके हैं। आपके दायां हाथ हैं। मेरा कोई दायां और बायां नहीं, मेरा सारा समाज मेरा दायां बायां है। तो सुनील सिंह जो उम्मीदवार कुछ खड़े कर सकते हैं क्या? सब वापस हो चुके हैं। तो मतलब जितने उम्मीदवार आपको आप चाहते थे उतने मिल गए, आप खुश मेरा हैं या ना मिला नहीं भी आप खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों का हर कार्यकर्ता मेरा कार्यकर्ता है, हर उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार है। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ यहाँ चुनाव मंच पर आए, अपनी बात रखी, अपने ढंग से अपनी बात रखी, बचाव भी करते रहे, सबका साथ सबका विकास की भी बात करते रहे, और इस बीच हिंदू मुसलमान पलायन और जो योगी आदित्यनाथ जिन बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं उसके बारे में भी बात करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी चुनाव मंच पर आने के लिए। धन्यवाद जी, शुक्रिया।